तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा विषय है, उसका जो आपका कल जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है ना, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर कह लीजिए या क्वेश्चन पेपर कह लीजिए हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल 18 अक्टूबर 2022 है और कल का जो पेपर आएगा काइंड ऑफ एक तरह से कह सकते हैं कल का ही पेपर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से आने वाले हैं, एक तरह से सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने दो पेपर ऑलरेडी बना रखा है फिजिकल एजुकेशन का, उनको नहीं देखा है तो उनको भी जरूर जा करके देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, पूरा पैटर्न समझ में आने वाला है कि किस पैटर्न में आपका पेपर आने वाला है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको आंसर उसका लिखना है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है, साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है, तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको क्या करना है आपको प्रेस करना है और ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा, जिससे कि जो आपकी तैयारी है वो और भी बेहतर तरीके से हो सकेगी, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12th का हम लोग फिजिकल एजुकेशन का पेपर कर रहे हैं, जो आपका कल जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का पेपर आएगा, यानी कि जो आपका फिजिकल के पेपर के लिए टाइम जो अलाउ किया जाएगा आपको वो 3 घंटे किया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 70 यानी 70 होने वाला है, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे चले तो यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखा है, इसको आपको जरूर पढ़ना है, अगर आप सामान्य निर्देश पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है या पैटर्न बैठ जाता है कि आपका पेपर कैसा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सामान्य निर्देश में बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे ही जो प्रश्न है यानी कि जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं वो कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आगे का बता रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 12 तक जो होने वाला है ना, ये एक एक नंबर वाला क्वेश्चन होने वाला है, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वैसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या बता रखा है फोर्थ पॉइंट में कि क्वेश्चन नंबर आपका 13 से लेके 16 तक जो पूछा जाएगा ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके आगे बता रखा है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 3 नंबर वाले यानी 3 अंक वाले जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका जो आंसर आपको लिखना है वो 80 to 100 वर्ड यानी कि 80 से 100 शब्दों के अंदर आपको कम से कम लिखना है बच्चों, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके आगे चले तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक है, ठीक है, और इसका उत्तर लगभग आपको 150 से 200 शब्दों में दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन 5-5 नंबर वाला रहने वाला है और इनका आंसर जो आपको देना है वो 150 से 200 शब्दों में तो कम से कम आपको देना ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक चीज आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो सेक्शन का फंडा रहता है यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी इस टाइप का जो रहता है वो फंडा ही पूरा हटा दिया है और ये जो मैं पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न है, DOE की तरफ से ये पैटर्न जारी किया गया है मिड टर्म के पेपर के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न में हम लोग पूरा अपना पेपर देखने वाले हैं, कल का आपका पेपर इसी पैटर्न में आएगा। आई होप कि ये जो सामान्य निर्देश था आपको समझ में आया होगा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आपको समझा दिया, अगर आप इसको सेपरेटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है, वीडियो को पॉज करके आप इंग्लिश मीडियम में इसको सेपरेटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने पेपर को पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे एक नंबर के लिए कि आसन की पहचान करनी है आपको, ठीक है। ये जो लड़की आपको दिख रही है ये ना योग का एक आसन कर रही है, ठीक है, तो ये कौन सा आसन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये योग का आपका त्रिकोण आसन है, कौन सा आसन है बच्चों, त्रिकोण आसन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा
कि आइडेंटिफाई द पोस्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो लड़की योग का जो आसन कर रही है वो कौन सा है, त्रिकोण आसन, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें मैचों की जो हम लोग संख्या निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, क्या हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं बच्चों एन माइनस वन का फॉर्मूला लगाते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट जो होते हैं उसके अंदर जो मैच होते हैं ना उनकी संख्या निकाली जाती है इस फॉर्मूला को लगा करके, इस सूत्र को लगा करके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ मैचेस इन द नॉकआउट टूर्नामेंट इज एन माइनस वन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि यदि नॉकआउट फिक्सचर में टीमों की संख्या 25 है तो कितने राउंड खेले जाएंगे, यानी कि जो नॉकआउट फिक्सचर होता है उसके अंदर अगर टोटल टीम जो है वो 25 है तो कितने राउंड खेले जाएंगे, तो 5 राउंड खेले जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले तो यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इफ द नंबर ऑफ टीम्स इन द नॉकआउट फिक्सचर इज 25 देन हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्ले। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 राउंड जो है वो प्ले किए जाएंगे, खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि प्रतियोगिता के नियमों तथा विनियमों का प्रकाशन किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी कंपटीशन होता है, ठीक है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कैसे पब्लिश किए जाने चाहिए। तो प्रतियोगिता से पहले पब्लिश किए जाने चाहिए, जाहिर सी बात है अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है, सपोज दैट मान लीजिए अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और क्रिकेट हम लोग खेलना शुरू कर दिए और उसके बाद हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि भाई ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो सब बोलेंगे भाई पागल है क्या, तो यार यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं अब तो हमें अलग ही नियम गिना रहा है यहाँ पर कि ये नियम होगा वो नियम होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी जब कॉम्पिटिशन हो, कोई भी जब प्रतियोगिता हो, तो उससे पहले जो नियम वगैरह होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बता देने चाहिए, ताकि यार अगले बंदे को पता तो रहे कि भाई क्या नियम है, कैसे खेला जाएगा, ठीक है। पता चले वो लोग पूरा गेम कंप्लीट कर लिए हैं और बाद में बोले भाई तुमने गलत खेला था, वो पूछेगा मैंने गलत कैसे खेल लिया, क्योंकि भाई बाद में रूल चेंज कर दिया हमने। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंपटीशन से पहले, कोई भी कंपटीशन जब लड़ा जाता है या खेला जाता है, चाहे क्रिकेट का कंपटीशन हो रहा हो दो टीम्स के बीच में, या फिर बास्केटबॉल का हो रहा हो, या कोई भी चीज हो रहा हो, ठीक है, तो जो प्रतियोगिता से पहले, कंपटीशन से पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बता देने चाहिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और यही जो आपका क्वेश्चन है बच्चों वो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपटीशन शुड बी पब्लिश, ठीक है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपटीशन के वो कब पब्लिश किए जाने चाहिए। तो बिफोर द कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन से पहले जो है सो कि पब्लिश किए जाने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहत पोषक तत्व नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो विटामिन जो है आपका एक वृहत पोषक तत्व नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो विटामिन आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कौन सी प्रशिक्षण विधि सहनशीलता विकसित करती है। तो आइसोमेट्रिक विधि जो होती है ना वो डेवलप करती है, क्या डेवलप करती है, सहनशीलता डेवलप करती है, ठीक है, एंड्योरेंस डेवलप करती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने आपको दो पेपर ऑलरेडी करवा रखा है, जो पहला वाला पेपर होगा उसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा, तो सिर्फ उसमें से क्वेश्चन आंसर देखिएगा, और जो दूसरा वाला पेपर करवाया था उसको थोड़ा सही से देखिएगा, ठीक है। यानी कि इससे पहले जो दो पेपर करवाए हैं उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चन कल का जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर रिपीट हो जाए, ठीक है। तो इससे पहले वाले भी दो पेपर आप देख लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा, खोज के आप देख लीजिएगा। सेम यही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया पांचवा, वो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा
कि विच ट्रेनिंग मेथड डेवलप्स एंड्योरेंस, तो आइसोमेट्रिक मेथड जो होता है वो एंड्योरेंस जो है वो डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि सीडिंग वाली टीम कौन से राउंड में खेलती है। ठीक है, तो जो सीडिंग वाली टीम होती है वो चौथे राउंड में खेलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पेपर में आ चुका है। ठीक है, और आपका एक प्रीवियस ईयर के पेपर में से ये क्वेश्चन लिया गया है कि सीडिंग वाली टीम जो है वो कौन से राउंड में खेलती है, तो वो चौथे राउंड में खेलती है। बच्चों सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि इन विच राउंड डज द सीडिंग टीम प्ले, तो फोर्थ राउंड के अंदर जो सीडिंग टीम है वो खेलती है बच्चों। ठीक है, इसी के आगे चले तो यहाँ पर आपको एक चॉइस दे दिया है, अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर सीडिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन। अथवा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों कि चक्रासन का प्रयोग निम्न में से किस विकृति के उपचार में किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो चक्रासन होता है ना, तो उसका हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, मतलब किस चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं, कौन सा ऐसा बीमारी होता है, कौन सी ऐसी समस्या होती है जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो है सो कि चक्रासन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका काइफोसिस जो होता है ना, उसके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस टाइप से आएगा कि चक्रासन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, तो आप यहाँ पर काइफोसिस देख सकते हैं। ठीक है, इसके अगर आपको इससे निवारण पाना है तो आपको चक्रासन करना पड़ेगा। चक्रासन क्या होता है, योगा का एक आसन टाइप कह सकते हैं, वो होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ हमसे कि क ख ग, ठीक है, स्कूल अपने छात्रों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूलों में एक है। ठीक है, यानी कि एक स्कूल है जिसका नाम ABCD समझ लीजिए या क ख ग समझ लीजिए। ठीक है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज देता है ना, वो बेस्ट में बेस्ट फैसिलिटी देता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए CBSE सपोर्ट सेल ने उन्हें जोनल वॉलीबॉल जो है सो कि क्लस्टर का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE का जो स्पोर्ट्स सेल है, ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि आपका स्कूल बढ़िया है तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जो जोनल वॉलीबॉल जो है सो कि क्लस्टर होता है उसका आयोजन कर दीजिए, ये हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 39 टीमों ने अपनी प्रविष्टियां भेजी हैं, यानी कि 39 जो टीम है, 39 टीमें हैं, वो कह रही हैं कि हम इसमें इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना चाहते हैं, उन्होंने अपना जो है रिक्वेस्ट भेजा है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि इस नॉकआउट फिक्स्चर में कितनी बाई दी जाएंगी, तो 25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KBG या KBC कह लीजिए, कोई सा भी स्कूल ले सकते हैं, अभी हमने ABCD पढ़ा। ठीक है, द स्कूल इज वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल इन इट्स एरिया फॉर द वेरियस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ठीक है, इसने बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई हैं और जो है सो कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है CBSE के द्वारा कि आप एक कॉम्पिटिशन करवाइए, उसके अंदर 39 टीम ने क्या किया है, सबमिट किया है उनका पार्टिसिपेशन कि हम इस कंपटीशन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन दिस नॉकआउट फिक्चर, तो यहाँ पर 25 यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि डैश पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा एक चीज है जो एक पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है, तो दूध एक ऐसा चीज है ना भाई जो एक पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। अगर आपको भूख भी लगा है ना, अगर आप मान लीजिए दूध पी लेते हैं तो एक तरह से आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, और पेट भी भरेगा और साथ ही साथ देखिए प्यास भी मिट गई, पेट भी भर गया, साथ ही साथ जो आपको कैल्शियम चाहिए वो मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि सारी की सारी चीजें आपको दूध के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, आलू के अंदर आपको सिर्फ स्टार्च मिलेगा, मछली के अंदर उतनी सारी चीजें नहीं मिलेंगी, सेब के अंदर भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो दूध होता है, मिल्क होता है ना, वो आपका एक पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है, कंप्लीट डाइट इसको आप कह सकते हैं दूध को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से पूछेगा कि डैश इज नोन एज कंप्लीट डाइट, तो मिल्क जो होता है वो एक कंप्लीट डाइट माना जाता है। नौवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से वज्रासन जो होता है वो किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, वज्रासन योगा का एक आसन होता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा वज्रासन करता है ना, तो वो मोटापे से बच सकता है।
ठीक है, या कोई बंदा मोटा भी है तो उसको वज्रासन करना चाहिए, क्योंकि जो वज्रासन एक प्रक्रिया होती है, मैंने आपको कई बार दिखा भी रखा है, योगा का आसन होता है एक टाइप का, जिसको अगर करता है डेली बेसिस पे वो एक्सरसाइज, वो योगा करता है कोई बंदा, तो मोटापे से बच भी सकता है और मोटापे को कम करने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि वज्रासन प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ओबेसिटी जो होता है उससे बचाने में जो वज्रासन होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आगे चले तो इसी के अंदर आपको एक चॉइस दे दिया है, एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन वो वज्रासन वाला नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि यदि नॉकआउट प्रतियोगिता में 17 टीमें भागीदारी कर रही है वह, तो खेले जाने वाले मैचों की संख्या क्या होगी, यानी कि जो एक नॉकआउट प्रतियोगिता होता है, एक जैसे कि नॉकआउट कंपटीशन होता है, उसके अंदर अगर टोटल 17 टीमें, ठीक है, 17 टीम अगर पार्टिसिपेट कर रही है, भागीदारी ले रही है उसके अंदर, तो खेले जाने वाले मैचों की संख्या कितनी होगी, कितने मैच खेले जाएंगे, तो टोटल जो मैच खेले जाएंगे बच्चों वो 16 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे, 16 मैच खेले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ 17 टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉकआउट कॉम्पिटिशन देन द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विल बी, यहाँ पर कितना होगा बच्चों, तो 16 होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी, ठीक है, भारत की वो कौन सी पहली महिला थी जिसने ओलंपिक पदक जीता था, ठीक है, तो सही आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी जी जो थी उन्होंने भारत का पहला ओलंपिक पदक जो था वो जीता था। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट, तो वो है आपका कर्णम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 11वां क्वेश्चन ये अभिकथन और कारण वाला, यानी असेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है हमसे कि ये बोल रहा है, इसमें अभिकथन बोल रहा है कि संतुलित आहार से विभिन्न तत्वों की उचित मात्रा होती है, मतलब संतुलित आहार जो लेते हैं हम लोग, बैलेंस डाइट जो लेते हैं, उसके अंदर देखा जाए तो अलग अलग जो तत्व होते हैं उसकी उचित मात्रा होती है, और कारण आर क्या कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है कि हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और रुचांश और जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों ही सही है भाई, यानी कि दोनों ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर जो है ना जो है सो कि यानी रीजन जो है ना वो सही व्याख्या नहीं करता है ए की, यानी कि अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले तो यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असेशन एंड रीजन गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम देम। ठीक है, तो आपका असेशन इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रीजन इस तरह से है, और इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट जो है कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर बता भी रखा है कि निम्नलिखित को मिलाइए। ठीक है, तो आपको कैसे मिलान करना है, मैं मिलान करके भी आपको दिखा देता हूँ। जो पहला है आपका गरुड़ासन, ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धनुष के जैसा पैर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका गोमुखासन, ठीक है, तो उसका सही हो जाएगा आपका चौथा घुटने टेके, उसके बाद आप जो है गोमुखासन कर सकते हैं। अगला है आपका तीसरा जो है चक्रासन, तो चक्रासन का सही हो जाएगा आपका गोल कंधे, और जो है सो कि चौथा जो है आपका नौकासन, तो इसका सही हो जाएगा आपका लॉन्ड्रोसिस। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल इस तरह से सही जो मिलान है हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ये बिल्कुल करेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल करेक्ट लगाना है और उसी हिसाब से आप मिलान कर सकते हैं बच्चों, मैंने आपको मिलान करके भी दिखा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आसनों को पहचाने और उनका नाम लिखे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो चार आपको योगा के आसन दिख रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, पहला आसन, दूसरा आसन, तीसरा आसन और चौथा आसन, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, पहला वाला ये भुज पर्वतासन है, दूसरा है आपका भुजंगासन, ठीक है, और फिर आपका जो है सो कि ये मत जो है सो कि
ये आपका हो गया मत्स्यासन और ये पश्चिमोत्तासन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, पहला वाला आपका पर्वतासन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा पश्चिमोत्तासन और चौथा मत्स्यासन, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा पेपर में, तो इस तरह से आपको पहचान करके उनका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आसनों के बारे में दे दिया, हो सकता है कुछ और भी आ जाए तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो आसन दे रखे हैं इनको, तो ये आप देख लीजिए। और ये आसन इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 14वां क्वेश्चन कि जो ये आसन संबंधित विकृतियों को पहचाने व उनके नाम लिखने आपको। तो ये आसन से संबंधित विकृतियां है, एक तरह की डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले वाले में आप देखेंगे तो ये बंदा जो है इसके ये घुटने इस टाइप से टकरा रहे हैं और इधर जो दो पैर है नीचे घुटने से नीचे का पैर ये हट जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप बंदे देखेंगे तो इसका ये जो रीढ़ का हड्डी है इस टाइप का दिखा करके और इसको ऐसे सीधा करके इसका हाथ ऐसे दिखा दिया है। तीसरा अगर व्यक्ति देखेंगे और चौथा व्यक्ति देखेंगे तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन बस ये अंतर है कि इसका जो ये कमर है ये एकदम इस तरह से है और इसका जो कमर है रीढ़ का हड्डी है वो थोड़ा ज्यादा इस टाइप से हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये चार इमेज है आपके सामने, इनको पहचानना है और ये किस विकृति का इमेज है वो आपको बताना है। तो पहला वाला जो इमेज है आपका वो धनुषाकार टांगे यानी कि जो बॉल लेग्स होती है ना उनके बारे में दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं ये बॉल लेग्स होता है, ठीक है, इनके बारे में दिखा रखा है। नेक्स्ट जो है आपका दूसरा वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पार्श्व कुब्जवा जो होता है आपका स्कॉलोसिस जो होता है उसके बारे में दिखा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड वाला इमेज, ठीक है। इस तरह से ये विकृति की पहचान कर रहा हूं मैं इमेज के आधार पर, ठीक है। अगला है तीसरा जो है वो कुब्जता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योपोसिस है, ठीक है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। और चौथा जो है आपका यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ वाला जो था वो अग्रकुब्जता है, ठीक है, लॉर्ड डोसिस है, ठीक है। तो लॉर्ड डोसिस आप देखेंगे तो फोर्थ वाला जो आप देखेंगे ये इस टाइप का है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाइटिंग के दो नुकसान बताइए, कि अगर कोई डाइटिंग करता है ना तो उसके दो नुकसान क्या हो सकते हैं। डाइटिंग क्या होता है आपको पता है ना, फास्टिंग होता है। आप ज्यादातर देखेंगे लड़की लोग एकदम स्लिम उलिम होने के लिए डाइटिंग करती हैं कि भाई एकदम वो लोग पतले दुबले हो जाएंगे, एकदम मस्त एकदम मजा आएगा देख करके, हमारा शरीर देख करके जो है सो कि शरीर इन द मीन्स कि लोग अपने फिगर को निखारने के लिए जैसे कि कमर को ठीक करने के लिए या बॉडी को एक शेप देने के लिए डाइटिंग करते हैं। ये कुछ हद तक ठीक है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो है ना वो बहुत घातक सिद्ध होते हैं। दूरगामी परिणाम मतलब फ्यूचर में ये डाइटिंग बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि एक 100 किलो का बंदा है वो बोलेगा कि चलो मैं डाइटिंग शुरू कर रहा हूं तो उसका वजन तो कम हो जाएगा लेकिन उसको बहुत तरह की डिसऑर्डर्स भी होने लग जाएंगी, बीमारियां भी होने लग जाएंगी, ठीक है। वैसे ही एक नॉर्मल बंदा भी है जिसका वजन 60 किलो है तो वो भी अगर डाइटिंग करता है तो उसको बहुत सारा डिसऑर्डर होगा भाई, ठीक है। तो डाइटिंग के कई नुकसान है, उन्हीं में से आपसे बोला है कि डाइटिंग के दो नुकसान बताने हैं आपको, ठीक है। तो डाइटिंग के अगर हम दो नुकसानों की बात करें तो ये आप अपनी स्क्रीन पर इस तरह से देख सकते हैं, इसको भी मैं समझा देता हूं। उससे पहले आप जो है सो कि एक बार फिर से सामान्य निर्देश को देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अब हम लोग कितने नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो दो नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और उसके बाद फिर तीन नंबर के फिर पांच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 12 तक जो हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया वो एक एक नंबर के थे, अब जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये आपका दो नंबर का था जो अभी हमने ये डिस्कस किया आपका। इस तरह से यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको सामान्य निर्देश जो दिखा देता हूँ, देखिए 13 से लेकर 16 तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो अभी हमने 13वां क्वेश्चन डिस्कस किया जिसके अंदर ये आसनों की पहचान करनी थी तो ये दो नंबर का था। नेक्स्ट अभी जो हम लोग ये वाला डिस्कस किए ये भी दो नंबर का था, 14वां क्वेश्चन, और ये जो 15वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये भी दो नंबर के लिए, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितने नंबर का है ये क्वेश्चन, ये बता दीजिए, इसलिए मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, तो डाइटिंग के नुकसान के बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है कि सीमित पोषक तत्वों का सेवन, सीमित और जो है सो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन और वसा के अपर्याप्त सेवन से कई समस्या या कह लीजिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती है। देखिए कोई बंदा अगर डाइटिंग करेगा तो क्या खाएगा, घास फूस जैसी चीजें खाएगा, जैसे कि थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा लिया बस यही डाइटिंग में ही खाएगा और क्या खाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो उससे क्या होगा, उसको लिमिटेड मात्रा में न्यूट्रिशंस मिलेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसको ज्यादा नहीं मिलेगा, प्रोटीन
प्रोटीन नहीं मिल पाएगा बॉडी को, विटामिन नहीं मिल पाएंगे, तो दिक्कत ही दिक्कत होगा भाई, बहुत ज्यादा जो है ना हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा होने लग जाएगी। अगला, वजन कम करने का रवैया गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। अगर कोई बंदा या बंदी जो है वजन कम करने के लिए लग गई ना कि भाई वो करना ही करना वजन कम, ठीक है, तो भाई वो वजन तो कम कर लोगे तुम, लेकिन आपको गंभीर से गंभीर बीमारियां हो सकती है, ठीक है, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, तो ये चीज है। अगला है, तीसरे पॉइंट में भी एक चीज और लिख दिया है कि वजन कम करने की तनाव ग्रस्त चेतना जो है चिंता और तनाव पैदा करती है, यानी कि कोई जब वजन कम करता है ना तो उस टाइम पे उसको स्ट्रेस वगैरह भी होता है, ठीक है, तो मतलब एक जो होता है ना कि मेरा वजन कम ना हो रहा हो और वजन कम करने लग जाए, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक स्ट्रेस भी बैठता जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशंस की प्रोटीन्स की कमी हो रही है उसकी बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ मैंने लिख दिया है डाइटिंग के नुकसान के बारे में। आप और भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं एनसीईआरटी को आधार बना। क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि गिव टू डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग, यानी कि जो हम लोग डाइटिंग करते हैं या कोई भी डाइटिंग करता है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो आपको बताना है। तो तीन यहां पर मैंने आपको बता दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 16वां क्वेश्चन कि महिलाओं के किस प्रकार मानसिक धर्म की गड़बड़ी को ऋतु रोध भी कहा जाता है, ठीक है, महिलाओं की किस प्रकार की जो गड़बड़ी होती है जैसे कि मासिक धर्म की गड़बड़ी, तो उसको ऋतु रोध भी कहा जाता है। तो ऋतु रोध महिलाओं में पाए जाने वाले मासिक धर्म चक्र विकार है जो महिलाओं में 18 से अधिक वर्ष पर 3 महीने अथवा इससे अधिक महीनों तक मासिक धर्म की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चले तो इसी के अंदर आपको एक चॉइस दे दिया, एक अथवा दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नीचे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पर कि भुजंग आसन करने के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। अगर आप भुजंग आसन करते हैं तो भुजंग आसन क्या है, योगा का एक आसन है, तो भुजंग आसन करने से क्या आपको फायदा हो सकता है, तो आपका जो रक्त संचार है वो बढ़ेगा, यानी कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, वो सही रहेगा आपका, ठीक है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और साथ ही साथ भोजन को पचाने तथा अम्ल व कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। अगर आप भुजंग आसन करते हैं ना तो आपका डाइजेशन सिस्टम काफी इंप्रूव होगा और अच्छा काम करेगा, ठीक है, और जो पेट में एसिड वगैरह बनता है ना और जो कब्ज वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन जो होने लग जाता है, कब्ज होने लग जाता है, वो चीज नहीं होगा आपका, ठीक है, तो भुजंग आसन किया करो भाई, ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग भुजंग आसन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन और ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, खाने को पचाने में हमारी मदद करता है और रिमूव करता है एसिडिटी और जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा कब्ज होता है उसको दूर करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन है कि नीचे एक स्कूल में आसन संबंधित विकृतियों के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि एक स्कूल है जहां पर आसन से संबंधित कुछ बातें बता रखी हैं, कुछ समस्याओं के बारे में बता रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उनका आंसर आपको। 17 से लेकर 26 तक जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर 80 से 100 शब्दों में आपको देना होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका दे रखा है बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके अंदर काफी सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, इसी से रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर बता रखा है कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको देना है, ठीक है, तो जो ऊपर डेटा बता रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि अधिकांश छात्रों में कौन सी आसन संबंधित विकृतियां पाई गई हैं, तो चपटे पैर वाली, ठीक है, कौन सी वाली, चपटे पैर वाली जो है ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये वाली ये आप देखेंगे ज्यादातर बच्चों में, इतने ज्यादा बच्चों में ये वाली जो विकृति है वो पाई गई है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यानी ग है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि छात्रों में कौन सी आसन संबंधित विकृति सबसे कम पाई गई है, तो धनु साकार जो टांगे है ना ये सबसे कम पाई गई है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धनुषाकार जो टांगे है वो सबसे कम पाई गई है, लोएस्ट लेवल पे अपना ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, ये भी एक नंबर का है कि कौन सी आसन संबंधित विकृति घुड़सवारी ठीक हो सकती है, मतलब घुड़सवारी को एक तरह से ठीक कर सकती है, तो घुटनों का टकराना, ठीक है, क्या होगा, घुटनों का टकराना।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि यहाँ पर आपको एक फिगर दे दिया है, इसको आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है और इसी के बेसिस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। तो इसी के बेसिस पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। अभी हिंदी में हमने डिस्कस किया, वही आपका मीडियम बदल जाएगा बस, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है। जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही इंग्लिश में आपको आंसर लिखना होगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस तरह से देख भी सकते हैं, ठीक है। नी बंप वगैरह इस तरह से, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि सुरेश को विद्यालय में, विद्यालय जो है उसका, स्कूल जो है उसमें मेडिकल चेकअप के दौरान जो है पता चलता है कि उसका रक्तचाप जो है 90 से 140 है, ठीक है। उसे योगासनों का अभ्यास, पाठ्यक्रम के अनुसार तथा भोजन में सुधार करने की सलाह दी जाती है जिससे कि रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सके। यानी कि जो सुरेश है वो स्कूल में चेकअप हो रहा होता है, मेडिकल चेकअप, तो उसको पता चलता है कि उसका जो बीपी है ना, बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ आसन वगैरह उसको बताए गए हैं, और ये आपका जो 2-3 लाइनें दिया है इसी से रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान्य रक्तचाप दर क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है। तो 80 से 120 के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो वो बढ़िया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि योग शिक्षक ने सुरेश को निम्न आसन जो है वो दिए होंगे, ठीक है, वो बताए होंगे कि ये कर सकते हैं। तो सुरेश को ये बताया गया कि आप ताड़ासन करो, वज्रासन करो, सवासन जो है वो करो, ये सभी के सभी बताए कि ये करो, आपका जो बीपी वगैरह है वो कंट्रोल में रहेगा और भी आपको बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उच्च रक्तचाप होने पर भोजन में किसकी खाद्य पदार्थ मात्रा नियंत्रित करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको नमक जो है ना वो खाने में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई बंदा नमक ज्यादा खाता है तो भाई बहुत दिक्कत हो सकता है, अगर उसको बीपी का प्रॉब्लम है तो ये तो बहुत रिस्की है भाई, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, और इसी के बेसिस पे जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही इंग्लिश में है कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेट। तो 80 से 120 के बीच में रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उसके आगे चले तो अगला है द योगा टीचर मेड सुरेश डू द फॉलोइंग आसन, यानी कि जो योगा टीचर थे सुरेश के, उन्होंने क्या बताया उनको, तो उनको बताया सुरेश को कि आप जो है सो कि वज्रासन करो, ठीक है, तजासन करो, उसके बाद जो है सो कि बहुत सारे आसन है यार, वो सारे आसन करो, तो ये सारे के सारे आसन आप कर सकते हो जिससे कि आपका बीपी वगैरह कंट्रोल में रहे, ठीक है। अगला है तीसरा क्वेश्चन कि हुज फूड इनटेक शुड बी कंट्रोल इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कौन से खाने पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए जब बीपी की प्रॉब्लम हो। तो जो है सो कि नमक पे कंट्रोल रखना चाहिए, नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए खाने में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, अभी के लिए इतना ही वीडियो, और इसका पार्ट 2 लाऊंगा मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर मेनली जो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस है और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो कवर करवा दूंगा पार्ट 2 के अंदर। तो वो वाला वीडियो भी आपको 2-3 घंटे के अंदर या उससे पहले भी कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना है आपको, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसे कि अभी पार्ट 2 वाला वीडियो डालूंगा, कल का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके रखेंगे तो, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और वीडियोस को बनाने के लिए। जय हिंद।